डैम, तो ही लाइक उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया लाइक पूरा फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस इन द फर्स्ट एपिसोड, बट ये माइनक्राफ्ट हाउस ना काफी डिफरेंट है. लाइक अभी हमने जो दूसरे देखे है ना वो नॉर्मल छोटे से घर बना रहे थे, यहाँ पे टेक्नो अपना फर्स्ट घर पूरा अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट द, ये फर्स्ट हाउस था इसका भाई, टेक्नो का ये फर्स्ट हाउस है. हेलो मोबाइल के छोटे से बच्चों, मेरा नाम है रचित और आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में. एंड आज के इस वीडियो में मेरे पास एक बहुत स्पेशल सा आइडिया आया है. तो अभी मैं देखने वाला हूँ यूट्यूबर्स के फर्स्ट हाउसेस को इन माइनक्राफ्ट. इसका मतलब यह है कि इंडिया के जो भी गेमिंग क्रिएटर्स है जिन्होंने माइनक्राफ्ट खेला है उनका मैं फर्स्ट वीडियो देखूंगा जो उन्होंने माइनक्राफ्ट का डाला था, एंड देन मैं उनका फर्स्ट हाउस देखूंगा जो उन्होंने बिल्ड किया था. इस तरीके से हम सारे क्रिएटर्स का फर्स्ट हाउस देखेंगे. एंड ये जो तुम्हें साइड में चैट दिख रही है, ये जो चैट है और मैं हूँ, हम लोग उस हाउस को आउट ऑफ 10 रेट करेंगे. एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पता लगाएंगे कि आखिर इंडिया में सबसे बेस्ट हाउस किस क्रिएटर ने बनाया था इन हिज फर्स्ट एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके चेक, सो हमारा फर्स्ट क्रिएटर इज नन अदर देन मिथपैक. तो ये मिथलेस का सबसे पहला वीडियो है अबाउट माइनक्राफ्ट. एंड मिथलेस ने 3 साल पहले सबसे पहला माइनक्राफ्ट का वीडियो डाला था. 3 साल भाई, कितना टाइम निकल गया यार ना इसको. एंड मोस्ट ऑफ द वीडियो जो मिथलेस ने बनाई है ना आज से 3 साल पहले ही बनाई है अबाउट माइनक्राफ्ट. ब्रो लुक एट दिस नंबर्स, 26 मिलियन व्यूज, 26 मिलियन व्यूज ऑन अ माइनक्राफ्ट वीडियो. भाई माइनक्राफ्ट का टाइम ऑन यूट्यूब भाई बहुत तगड़ा था, एक चीज तो है. ओके तो अभी हमारा टाइम है इस वीडियो को देखने का. एंड हम देखते हैं कि मिथलेश ने सबसे पहला घर अपना कैसा बनाया. एंड इस वीडियो में फेस कैम नहीं होगा क्योंकि मिथलेश ने उस टाइम पे अपना फेस रिवील किया ही नहीं था. ओके लेट्स स्टार्ट. हम लोग एक काम करते हैं, स्पाइडर शायद पानी में नहीं आ सकता तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पानी के अंदर जाते हैं. स्पाइडर आजा, आके तो दिखा भाई, आजा आजा, आ सकता है पानी के अंदर. शिट भाई यार, ये कितना नॉस्टैल्जिक फील करा रहा है मेरे को, द वेरी ओल्ड मिथपैक वाइब्स. मम्मी क्या हुआ, मुझे नया कंप्यूटर चाहिए. आ मारो मत, मारो मत, प्लीज प्लीज सॉरी प्लीज मम्मी, एक नया कंप्यूटर दे दो ना. तूने अभी तक जिंदगी में कुछ उखाड़ा भी नहीं है, तेरे को क्यों चाहिए नया कंप्यूटर. भाई ये वीडियो मैंने आज तक कभी मिथलेश का देखा नहीं था. डैम भाई, लाइक ये बहुत अलग वीडियो, मेरे को नहीं पता था मिथलेश का पहले वीडियोस ऐसा था. मैंने मोस्ट ऑफ द जो वीडियोस देखा है वो थोड़ा सा अलग होता था, अभी के मिथलेश के हिसाब से तो ये बहुत डिफरेंट वाइब देता है. ओके फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है मिथलेश का जब वो माइनक्राफ्ट ज्वाइन करता है. अच्छा तो ये गेम फर्स्ट पर्सन में है और हमें क्या करना. ओ हम इसे तोड़ सकते हैं, तोड़ो. ओके इस टाइम तक मिथलेश को पता ही नहीं था माइनक्राफ्ट के बारे में कुछ भी. पानी पीने जाते हैं, पानी पी सकते हैं. चेक योर रेसिपी बुक, कैसे चेक करें रेसिपी बुक. इट जस्ट लाइक मी, मेरे को भी जब मैंने फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट खेला था तब भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर कैसे होता है. ओके सीधा वहां पे जाते हैं जहाँ पे मिथलेश ने अपना फर्स्ट हाउस बनाया है. इसमें फर्स्ट हाउस बनाया इंडिया का इस मिथलेश ने. वाओ. ओके सो नाउ इट्स टाइम कि हम देखें, फाइनली हमें मिल गया है मिथलेश का सबसे पहला घर. ओके आई मीन फर्स्ट के हिसाब से तो ही इज डूइंग रियली गुड. जिस तरीके से डिजाइन बनाई है, हुआ भी नहीं है और आ गए प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए. बट छोटा सा घर है ये. ओके तो पत्थर से हमने इतना बना लिया, अभी बाकी लकड़ी से बनाऊंगा. ओके ये दोबारा आ गया भाई, ये प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तेरे को, निकल. ओके इतना तो तैयार हो गया भाई, हर जगह में बंद कर दिया, अभी तक कोई इसमें लाइक कांच नहीं लगा है. दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी बैड. घर के अंदर पूरा अंधेरा हो जाएगा ऐसे. तो ये है मिथलेश का सबसे पहला घर. आई मीन हर किसी माइनक्राफ्ट किसी बंदे का जब भी वो माइनक्राफ्ट चालू करता है उसका सबसे पहला घर काइंडा इस तरीके का ही होता है. ठीक है, वेरी नॉर्मल लाइक कोबल स्टोन लगे हैं साइड में एंड देन इधर साइड वुड लगा दिया एंड यहाँ पे गेट लगा दिया. ये घर से ज्यादा थोड़ा सा प्रीजन ज्यादा लग रहा है, बट आई मीन काफी अच्छा है, काफी अच्छा है उस हिसाब से तुम देखोगे. आगे देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट होती है जो इसका फाइनल फॉर्म है ना ऑन द फर्स्ट डे. And then हम decide करते हैं कि out of 10 कितना rate करेंगे हम इसको. वाला घर मुझे मालूम है जरा बहुत ही गरीब घर है, लेकिन बंगला हो या घोसला अपना घर, अपना घर अपना होता है. अपना होता है. A few moments later, let's see the final form. हो गया तैयार.
ओके नाउ इट लुक्स गुड, लाइक पहले वाला बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था बट नाउ इट लुक्स गुड। ये वाला पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बालकनी भी बनाई है, अगर हम पे दुश्मन अटैक कर लेट्स सी अंदर से अगर कोई सीढ़ियां वीडियो कुछ तो बनाई है क्या। बेड लगाते हैं इधर 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 इधर, ये घास निकालो। नाइस, यहाँ पे बेड लगा दो, यहाँ पे फर्नेस, ओके क्राफ्टिंग टेबल और यहाँ पे एक चेस्ट। अंदर का सामान काफी सही रखा है, अंदर जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीजें थी वो मिथिलेश ने रखी है एंड लैडर भी लगा दी ऊपर जाने के लिए। घर तैयार हो चुका है, मेरे खुद के कमाई का घर। अभी के लिए ये छोटा है लेकिन ये बड़ा होता रहेगा। यहाँ पे हमारी बालकनी है, इधर से हम लोग आई मीन इट लुक्स गुड, सारी रिक्वायर्ड चीजें तो है यहाँ पर। इधर देख इधर, भाई आई मिस द ओल्ड वीडियोस ऑफ लाइक मिथिलेश की। ओके तो सो फाइनली ये है पूरा फाइनल फॉर्म ऑफ मिथिलेश का फर्स्ट हाउस। तो अंदर उसने ना कुछ चीजें भी रखी थी जो कि जरूरी थी एंड एक लैडर भी लगाई है ऊपर के लिए। नाउ द क्वेश्चन, आखिर हम इसको आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे। तो चैट सबसे पहले तुम करो, ठीक है सबसे पहले तुम स्टार्ट करो। काफी लोग 5 out of 10, 4 out of 10, 7 out of 10 भी बोल रही है बट याद से कि ये वन ऑफ द फर्स्ट हाउस है जो मिथिलेश ने बनाया है तो हमें ऐसे भी रेट करना है क्योंकि यहां तक मिथिलेश को पता नहीं है कि कैसे हाउसेस बनते हैं। लाइक फर्स्ट सबका ही खराब होता है बट व्हाट डू यू थिंक आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग 6 out of 10 इस घर को। आई मीन इफ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड 5 out of 10 फर्स्ट घर के हिसाब से क्योंकि फर्स्ट घर ये काफी सुंदर है और लाइक सारी रिक्वायर्ड चीजें हैं इसके अंदर एंड अच्छे से तुम इसमें रह सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं इसको अपनी तरफ से दूंगा 5 out of 10 एंड फ्रॉम ऑल ऑफ यू तुम्हारी तरफ से 6 out of 10। एंड नेक्स्ट क्रिएटर इज नन अदर देन ट्रिगर्ड इंसान। ओके निश्चय ने 2 बार माइनक्राफ्ट को फर्स्ट टाइम खेला है, ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो आई गेस। लेट्स सी कि निश्चय का फर्स्ट हाउस कैसा है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। और अब तुम बोलोगे द वेरी ओल्ड यूट्यूब, भाई निश्चय का नीचे कितना छोटा सा कैमरा दिख रहा है। वीडियो तो तू डाल चुका है माइनक्राफ्ट पे, तो फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार तब ना मुझे कुछ आता था और 80% लोग जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको भी कुछ नहीं आता था। तो आज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके तो दैट्स अ गुड पॉइंट, लाइक दैट्स अ एडवांटेज राइट नाउ कि थोड़ा बहुत निश्चय को आइडिया है कि कैसे क्या करना है। तो अभी लेट्स सी कि निश्चय का फर्स्ट हाउस कैसा है। वेट इज दिस द फर्स्ट हाउस निश्चय का। और निश्चय अपना फर्स्ट हाउस बिल्कुल नॉर्मल वैसा बनाता है क्या, नीचे डिग करके एंड उसमें बेड डालकर एंड ऐसे करके। आज रात पे वेट और यस एग्जैक्टली ये चीज हर किसी ने अपने फर्स्ट डे ऑफ सर्वाइवल में करी है। नॉर्मल ऐसा एक छोटा सा घर एंड यहाँ पर नीचे गड्ढा करो एंड बेड डाल दो। ओके सो फर्स्ट हाउस जो निश्चय ने बनाया था काइंड हम इसको घर नहीं बोलेंगे बट इट्स लाइक वन डे सर्वाइव करने के लिए तो हम इसको घर में कंसीडर नहीं कर सकते। ओके फाइनली हमने बहुत मेहनत करने के बाद शायद से लाइव इंसान का सबसे पहला यानी निश्चय का सबसे पहला माइनक्राफ्ट हाउस फाइंड कर लिया है जो कि इस वीडियो में है, ठीक है। ही मेड लाइक इन द थर्ड एपिसोड। फिर से मैंने ये रहा थोड़ी सी मेहनत करी तो लाइक निश्चय ने दिखाया नहीं है कि ये उसने लाइक कब बनाया। ही सेड क्यू ऑफ कैमरा, तो ये ऑफ कैमरा घर बनाया है बट इट इज द फर्स्ट हाउस जो निश्चय ने वीडियो में दिखाया है बनाते हुए। अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया। ओके लेट्स ये घर अंदर से हम देखेंगे एंड देन रेट करेंगे। सो दिस इज हाउ द लाइक हाउस लुक्स। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर इतना ऊपर ये क्यों बनाया गया है, लाइक ये पत्थर से इतना ऊंचा क्यों किया गया, लाइक इफ अपना घर भूल जाए इसके लिए क्या। बट बहुत सारी चीजें कर लिया भाई, बहुत सारे पेट्स कर लिए, ठीक है एंड सब कुछ एंड पूरा कोबल स्टोन का बना रखा है घर। बकरियों का ये देखो, ये मेरा गांव गायों का खेत है, ओके फार्म है और ये मेरे बकरियों का फार्म है। आजो आजो आई मीन लता जया फर्स्ट घर के हिसाब से फार्म वगैरह भी बना लिया है, वो बहुत अच्छा है। ओके लाइक इफ यू सी तो फार्म्स वगैरह अच्छे हैं बट घर उतना दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा बट अंदर से कैसा है ये भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट घर के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा सही कर दिया इन्होंने, लाइक आसपास की चीज है। मैंने अपने लिए एक छोटा सा ये घर बनाया है। ओके तो ये है सबसे पहला घर, बाहर से प्रिजन टाइप का लग रहा है ये, पूरा बंद है, कोई कांच वगैरह नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा है एंड एक बहुत ऊपर से वो दे रखी है ऐसी लाइट, उसमें ठीक है टावर ऊपर को खड़ा कर दिया ताकि टावर जब मैं थोड़ी सी दूर अगर कहीं घूम yes! कुछ सामान वगैरह ढूंढने तो ऐसा ना हो कि मैं अपना घर का रास्ता भूल जाऊं। तो ये आई मीन तुम्हें बोला था कि एग्जैक्टली सेम यही रीजन होगा। आई मीन देखो घर इतना अच्छा नहीं है बट आसपास के खेत काफी अच्छे लग रहे हैं एंड सारी चीजें तो वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और घर का पूरा एरिया अच्छा है, तुम देखोगे ना इधर एक फार्म है एंड इधर साइड इतने सारे फार्म है। अब मेरे को देखना है घर अंदर से कैसा है और ये अपने घर के अंदर हमारा ये छोटा सा बेड है और क्योंकि अंधेरा हो गया तो हम सो जाते हैं।
आई मीन बेड है एंड फर्नेस वगैरह चेस्ट वगैरह काफी चीजें थी अंदर से. मैं कम लाइक द फर्स्ट हाउस के हिसाब से इट लुक्स रियली रियली गुड. अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम इसको रेट कितना करें. ठीक है, हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, हाउस को रेट करना है हमें. एंड ये स्ट्रीम लाइक वीडियो पे नहीं बनाया, लाइक जब वीडियो नहीं चल रही थी उसके बाद में बनाया है, तो ये चीज भी हमें कंसिडर करनी है क्योंकि ऑफ वीडियो ऑफ स्ट्रीम ना तुम काफी मेहनत कर सकते हो. तो मैंने जस्ट अभी पोल डाल दिया है एंड लेट्स से कि तुम लोग का क्या लाइक ओपिनियन होता है ऑन दिस. आई वॉन्ट सब लोग अच्छे से करना, इट्स जस्ट नॉट दैट कि तुम्हें निश्चय बहुत पसंद है तो तुम लाइक उसको बहुत अच्छा रेटिंग दो. नो, ऐसे नहीं. एक्चुअल में बिल्कुल असली वाला रेटिंग राइट नाउ 29% लोगों ने बोला है 6 out of 10 एंड 43 लोगों ने बोला है 8 out of 10. आई मीन 8 out of 10 के हिसाब से ये उतना अच्छा नहीं है, लाइक 8 out of 10 बहुत अच्छा है, बट 6 out of 10 लुक्स रियली गुड. लाइक हाउस के हिसाब से सिर्फ घर घर जो है ना वो मिथपैड का ज्यादा बेटर था, बट फिर निश्चय ने फार्म वगैरह भी बना लिया है, लाइक दिस अ वेरी ह्यूज थिंग. तो वोटिंग में जो दो सबसे मोस्ट पॉपुलर वोटिंग है वो है 6 out of 10 एंड 8 out of 10. 29% लोगों ने 6 out of 10 रेट किया है एंड 8 out of 10 किया है 41% लोगों ने. तो ऑडियंस के हिसाब से ये निश्चय का फर्स्ट हाउस इज 8 out of 10 एंड मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड 6 out of 10. यू नो फार्म्स वगैरह एंड सब कुछ मिला के आई विल से अ वेरी वेरी गुड 6 out of 10. बहुत अच्छा घर है लाइक फर्स्ट हिसाब से. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर अनोदर स्ट्रीमर, अनोदर क्रिएटर एंड इट्स टाइम फॉर टेक्नो. आई थिंक टेक्नो का सबसे अच्छा हो सकता है. ओके, ये रहा टेक्नो का सबसे पहला माइनक्राफ्ट वीडियो 3 साल पहले. तीन साल पहले ही टाइम था माइनक्राफ्ट का सबसे तगड़ा. लेट्स सी टेक्नो का फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस कैसा था. आई रिमेम्बर कि लाइक टेक्नो का फर्स्ट हाउस ना कोई तो कास्टल था जब मैंने ये सीरीज देखी थी. तो ऐसा हो सकता है कि लाइक फर्स्ट हाउस ही कास्टल होगा ना, तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी यार. लेकिन एक चीज उठाना भूल गया, जो जमीन पे हमें मैट बिछाना है ना वो उठाना भूल गया. वो शायद से ना मेरे हिसाब से उनके घर में था ही नहीं और अभी मैं अपने घर पर. ब्रो आई थिंक यही वो जगह है, यही घर है. टेक्नो कॉल भी कर रहा है इसको घर. तो ये इस पहाड़ के ऊपर अपना पूरा घर बनाएगा ना. और यार मैं सोच रहा था कि ना बहुत अच्छा बना है, लेकिन यार उतना अच्छा लग नहीं रहा अभी, क्योंकि जो साइड साइड की लुक है ना, ये जितने भी एरिया सारी आई मीन अभी सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियां बनी है, खराब कर रहा है. तो मेरे को इस साइड का जितना भी पहाड़ है ना सारा हटाना पड़ेगा और इसको हटाने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है. और यहाँ पर जो भाई घर पे जाने के लिए सीढ़ियां है बहुत तगड़ी, अलग ही मजा आता है. और यहाँ पर जो मैं डोर लेकर आया था ना, उस डोर को अपने घर में सबसे पहले लगाते हैं. तो डोर कहाँ पर है, ये रहा डोर. तो ये वो डोर है, काफी डिफरेंट है. लाइक अभी हमने जो दूसरे देखे है ना वो नॉर्मल छोटे से घर बना रहे थे, यहाँ पे टेक्नो अपना फर्स्ट घर पूरा अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये फर्स्ट हाउस था इसका भाई, टेक्नो का ये फर्स्ट हाउस है. ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले. भाई मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वीडियो, तो कई सारे इंट्रो में दिख रहा है पूरा घर. तो आप सभी लोग को याद होगा, अरे भाई मेरी नजर नहीं हट रही है. लाइक ये एक बंदे का काम नहीं है, बट एक दिन में तो एक एपिसोड में तो ये नहीं बनता है. इसको बनाने के लिए 6 एपिसोड्स लगे हैं, बट फाइनल लुक इस कार्शल का इस तरीके का है. अरे कितना सुंदर लग रहा है भाई. हमारा जो घर है ना काफी ज्यादा चेंज नहीं, मतलब काफी नहीं, पूरा का पूरा चेंज हो चुका है. मतलब कि पहले कैसा खंडर सा लगता था, लेकिन अब ये एक महल जैसा लग रहा है. सबसे पहले ना मैं आपको अपना घर एक्सप्लोर करवाना चाहता हूं, मुझे घर एक्सप्लोर करते हुए बनाने में भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है. बाहर से तो मैंने आपको एंट्री है भाई तगड़ी वाली, कैसा लग रहा है. तो सबसे पहले ना यहाँ पर आप लोग देखोगे मैंने नदी वदी बना दी है, मतलब नदी नहीं है ये, छोटा सा ना मैंने एक वाटर ट्रैप बनाया है ताकि ज़ॉम्बीज वगैरह अगर मेरे घर के अंदर एंटर होने की कोशिश करें तो इस वो वाटर में आकर अटक जाए. मतलब लाइक दैट्स वेरी गुड, लाइक वेरी बहुत दिमाग से बनाया हुआ घर. छोटी सी मैंने रिवर टाइप बनाई है ब्रो. आई मीन लाइक देखो झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, द थिंग इज दैट अगर मैं फर्स्ट घर की बात करूं, चाहे इसको 6 दिन, लाइक मेन चीज ये है कि इसको 6 एपिसोड्स लगे हैं बनाने में, तो ये ऑफ स्ट्रीम में काफी टाइम तक बना होगा. बट फाइनल लुक के हिसाब से, क्योंकि वेनी साइड की लाइक अभी फाइनली मेरा घर कंप्लीट हुआ है, उस हिसाब से आई विल से इट्स 10 out of 10. लाइक 10 से भी ज्यादा हो सकता है ये, बिकॉज डूड इट लुक्स रियली गुड. भाई क्रॉप्स वगैरह हर एक चीज लगा रखी है. फसल को ना मैं इन लोग को खिला देता हूं. मुझे घर के अंदर से देखना है कि घर के अंदर कैसा लगा देते हैं. अभी बाकी ये एरिया तो मैंने आपको दिखा दिया, अभी फटाफट चलते हैं घर के अंदर. भाई घर के अंदर जाने के लिए इतना बड़ा रास्ता है डूड, वाओ. ठीक है, घर के अंदर का बहुत अच्छा एरिया है. बाकी ना यहाँ पर छत पर मैंने एक स्विमिंग पूल भी बनाया, वो भी ओ लाइक लास्ट वीडियो में हमने देखा था इस तरीके से. और चलते हैं सबसे पहले छत पर स्विमिंग पूल दिखा देता हूँ. और बाकी अगर आप लोग मेरा घर अंदर से
देखोगे ना तो यहाँ पर राइट में एक रास्ता जा रहा है जो कि यार काफी ज्यादा नीचे तक गया, और यहाँ पर अगर हम लोग सीधा जाए तो एक बहुत ही गहरी केव आती है। ब्रो डूड ये करना क्या चाहता था ना, एक टेक्नो इन हिज फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस। केव के अंदर हमें भाई ऐसे लग रहा है जैसे वो किंगडम खड़ा कर रहा है। अभी मैं छत पर आ चुका हूँ, तो भाई देखो यहाँ पर ना राइट की तरफ स्विमिंग पूल भी है, काफी ज्यादा बड़ा स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, और लेफ्ट में भी दोनों साइड ज्यादा बड़ा पूल। बट इट्स वेरी बैड, लाइक लोनली हो जाएगा, लाइक टेक्नो इतने बड़े घर में अकेला रहना अच्छा नहीं है, देखने को मिलेगा। और ये दो पूल नहीं है, ये मैं तो बोर हो जाऊंगा इतने बड़े घर में। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करवाता हूँ कि कैसा मैंने बनाया यहाँ पर। वैसे इसमें नहाने वाने कोई फायदा नहीं होता, वो मैंने इसलिए बनाया ताकि जो अपने घर की लुक है ना बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाए। तो देख लो भाई पूरे के पूरे स्विमिंग पूल को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर ये सीढ़ियां भी बना दिया ताकि हम लोग अपना नहा धो के ऊपर आ जाए। और अगर हम लोग नीचे की तरफ में जाएंगे ना तो ये देखो भाई एक ही रास्ता मैंने जो बनाया बहुत अच्छा लगा। गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं दूसरे, डूड ऊपर से भी कितना अच्छा लग रहा है यार ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। सो नाउ चैट इट्स टाइम फॉर द बोटिंग, एंड आई मीन इसकी बोटिंग की जरूरत है नहीं, इट्स द फर्स्ट हाउस जिसको हम 10 out of 10 देंगे। बट एक चीज हम कहेंगे, नथिंग इज दैट अभी जो हमने दो घर कंपेयर किए थे तो मिथपैट ने अपना घर एक ही दिन में बनाया था, तो वो फर्स्ट डे फर्स्ट हाउस टाइप का था। निश्चय ने जो अपना घर था लाइक वो थोड़ा सा लाइक यू नो ऑफ स्ट्रीम बनाया था, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बट इट्स 10 out of 10 लाइक एज द फर्स्ट हाउस 10 out of 10। इसका डिजाइन वगैरह बहुत अच्छा है, लाइक लुक एट दिस ब्रो, लुक एट दिस, क्या सेक्सी लग रहा है भाई ये घर। तो या आई मीन मेरे हिसाब से इट्स 10 out of 10, एंड तुम लोग के भी कमेंट्स यहाँ पे 10 out of 10 डाल रहे हैं। अभी तक का जो सबसे बेस्ट हाउस जो माइनक्राफ्ट में बनाया है किसी यूट्यूबर ने तो वो टेक्नो का है। बट अभी टाइम है और भी बहुत क्रेजी क्रेजी क्रिएटर्स का। अब मेरे को देखना है कि बीस्ट बॉय शुभ ने अपना फर्स्ट हाउस कैसा बनाया था। मैंने मेरा सबसे पहला माइनक्राफ्ट वीडियो शुभ का ही देखना स्टार्ट किया था, अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो मेरे को देखना है कि शुभ का फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस कैसा था। एंड अभी तो शुभ बहुत क्रेजी बना सकता है अगर अभी बनाएगा, बट सबसे पहला कैसा था। BBS कितना पतला लग रहा है भाई इसमें, डूड रिजलर BBS, गाइस रिजलर BBS इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों, यहाँ पे BBS रिज करेगा ये लुक के साथ विद दिस हेयर स्टाइल। BBS किसी भी लड़की को रिज कर सकता है, शुभ को बोलो ये हेयर स्टाइल वापस करो। बट इट्स टाइम कि हम देखें कि फर्स्ट हाउस कैसा था BBS का। आई मीन एरिया इतना अच्छा नहीं है घर बनाने के लिए ये वाला, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा दूर है, बट पानी भी है पास में तो मे भी इसलिए, क्योंकि ना पहले से ही थोड़ा प्लेन सा है तो जल्दी हो जाएगा। ओके ये है फर्स्ट हाउस। ओके अभी ये लग रहा है कि हाँ किसी का फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस है, क्योंकि वो पूरा डर्ट से बना हुआ है। ओए मेरा सारा सामान यही है। आई मीन देखो असली माइनक्राफ्ट फर्स्ट हाउस वही होता है जब वो बहुत गंदा सा हो एंड पूरा डर्ट से बना हो, दैट्स द फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस। सब कुछ यही है भाई साहब, और मैं कहां आ गया ये, लाइक दैट इज व्हाट माइनक्राफ्ट का फर्स्ट हाउस मींस, तेरी सीक्रेट रास्ता। वो सही है यार, ये तो मेरी अंदर अंदर गुफा बन, केव है भाई नीचे ही। ओके लाइक इन द फर्स्ट एपिसोड उन्होंने अपना पूरा घर कम्प्लीट नहीं कर पाया, तो आई वांट टू सी इन द सेकंड एपिसोड कि घर कैसा बना था, क्योंकि सेकंड एपिसोड तक घर बन गया। Day 2. Okay, hi. So, कल मैं जब ये स्ट्रीम कर रहा था मेरा स्ट्रीम अचानक से रुक गया था क्योंकि मेरी लाइट चली गई थी, तो हम फाइनली वापस आ चुके हैं एंड इट्स टाइम फॉर BBS। तो BBS ने फाइनली अपना फर्स्ट हाउस बना लिया है 2 episodes के बाद। तो इन द थर्ड एपिसोड BBS ने अपना फर्स्ट हाउस बनाया एंड चैट एंड में रेडी है फॉर दिस हाउस। Let's see कि ये कैसा है, प्लीज अच्छा हो। सभी को लगा था कि माइनक्राफ्ट गेम मेरे लिए नहीं बनी, उन्हें लगा था मैं आई मीन इफ माइनक्राफ्ट शुभ के लिए नहीं बनी है तो आई डोंट नो कि किसके लिए बनी है, गेम में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्हें लगा था मैं इस हरे भरे जंगल में बस ऐसे ही भटकता रहूंगा। एक्चुअली 2 episode देख के मेरे को यही लग रहा था यार, ओ शिट ये क्रीपर फिर फालतू में घर तोड़ दे रहे हैं भाई सुख का। ऐसे इस डर्ट को तोड़ता रहूंगा अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन तुम्हारे बीस्ट बॉय ने अपना किला खड़ा कर लिया। ओके तो ये है शुभ का सबसे पहला घर, लाइक वेरी बेसिक एंड लाइक एक्चुअली में द फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस होता है ना उस तरीके का, अ वेरी सिंपल हाउस। एंड साथ में इफ यू सी तो यहाँ पर साइड में ना लाइक वो भी बन रखा है, लाइक एक फार्म है जहाँ पर अच्छी खासी खेती भी हो रखी है। तो शुभ भाई बहुत तेज है, तो लाइक फ्रॉम दिस लुक चैट आई मीन ये एक्चुअली में लग रहा है कि हाँ किसी का फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस है, क्योंकि डर्ट एंड कोबल स्टोन को यूज किया है। तो आई एम लाइक
इतना खराब नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छा है। अंदर जाके देखते हैं फिर हम रेट करेंगे इसको। मेरा किला और जिन्हें मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ उनके लिए एक मैसेज भी छोड़ा हुआ है ताकि वो आते जाते पढ़ते जाए। आई मीन बहुत ज्यादा घर बर्बाद किया था भाई शुभ का क्रीपर्स ने। मेरा ये प्यारा सा मैसेज, मैं इसे ना और ज्यादा बढ़िया बना सकता था अगर मैं तसल्ली से और 4-5 घंटे लगा देता ऑफलाइन तो, लेकिन मैं सच में रिकॉर्ड करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था मैं कुछ एंटरटेनिंग करूं और रिकॉर्ड ना करूं। यार एक्चुअली यही होता है माइनक्राफ्ट का, यही सीन है। बहुत टाइम पे जब मैं विदाउट लाइक रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करता था ना कुछ, तो बहुत सारे फनी मोमेंट्स निकल जाते थे। एंड घर तुम्हें कभी भी विदाउट रिकॉर्डिंग मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। कुछ लग रहा होगा ऐसा क्यों नहीं है, कुछ स्पेशल है क्या इस घर के अंदर? तुम लोगों को गलत फहमी है कि मेरा ये घर इतना कमजोर है, तो तुम लोग गलत सोचते हो। छत नहीं है भाई आ रही। ओके ये देखो मैंने नाइस पेंटिंग घर बनाया है कोबल स्टोन से। जी हाँ, ये डर्ट तो सिर्फ क्रीपर्स को पागल बनाने के लिए है कि चांस यहाँ पे आके फट भी जाते हैं। यार आई मीन इट्स गुड लाइक इफ यू सी ना, तो ये थोड़ा इंटेलिजेंस है कि क्रीपर अगर फटेगा भी तो डर्ट खराब होगी ना कि घर। यार पेंटिंग अच्छी है, पूरे घर में पेंटिंग अच्छी लग रही है, बट पेंटिंग इतनी बड़ी है कि घर से ऊपर निकल रही है ये देखो। पता नहीं फालतू में क्यों। और ये चेस्ट, अब मैं पता क्या करूंगा, एक बेड बना लूंगा जिसे मैं हमेशा अपने पास रखा करूंगा और बाहर डिस्कवरीज करने जाऊंगा फिर। ओके सो हमने फाइनली देखा शुभ का घर। तो शुभम का घर कुछ इस तरीके का दिखता है, पूरा लाइक नॉर्मल सा घर है। इफ यू सी इज द फर्स्ट हाउस, अभी इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, लाइक द फर्स्ट वेरी वैसा वाला होता है ना बिगनिंग प्लेयर का हाउस, उस तरीके का है। बट अच्छी चीज ये है कि साइड में ये वाला एक फार्म है जो कि काफी अच्छी चीज है। एंड देन ये मैसेज काफी अच्छा है एंड अंदर काफी अच्छी चीजें भी है। एक फर्स्ट डेकोरेशन में उन्होंने एक वो भी लगाया है लाइक पेंटिंग, तो उस हिसाब से आई विल से कि इसमें ना कोई चीटिंग नहीं हुई है, ये एक्चुअली में थोड़ा मेहनत से फर्स्ट बनाया हुआ हाउस। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर हम इस घर को चैट कितना रेट करें, तो अभी मैं एक पोल डालूंगा एंड देन लेट्स सी कि तुम लोगों को क्या लगता है। बट मेरे अकॉर्डिंग आई विल गिव अ वेरी वेरी गुड 6 out of 10। तो मैंने डाल दिया है पोल एंड अभी मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोग का। मुझे एक्चुअली जानना है कि शुभम के इस हाउस का तुम लोग क्या रेटिंग दोगे। ओके तो ये रही चैट, तो चैट का कहना है 6 out of 10, ठीक है। 31% ऑफ लोग बोल रहे हैं 6 out of 10, 28% लोग बोल रहे हैं 7.5 out of 10, 27 बोल रहे हैं 8 out of 10, एंड कुछ 14% लोग भी बोल रहे हैं 4 out of 10। लाइक 4 out of 10 तो बहुत खराब हो गया, 4 out of 10 तो नहीं है। आई विल गो विद 6 out of 10 फॉर दिस, मेरे हिसाब से अ परफेक्ट 6 out of 10, एंड तुम लोगों ने भी 6 out of 10 चूज किया है। So chat, now it's time for yes Smartify. मुझे देखना है कि हितेश भाई का फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस कैसे, क्योंकि राइट नाउ इफ इंडिया में कोई सबसे ज्यादा लाइक कॉम्पिटेटिव वे में एंड प्रो वे में माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा खेलता है ना, एंड पूरा चैनल इज ऑल अबाउट माइनक्राफ्ट, देन इज यस Smartify एंड ही इज रियली रियली गुड जितना मैंने गेम प्ले में देखा है। फाइनली वेलकम टू माई न्यू वर्ल्ड। ओके ये है तीन, सबने 3 साल पहले ही माइनक्राफ्ट चालू किया था। एवरी सिंगल पर्सन लाइक स्टार्टेड माइनक्राफ्ट 3 साल पहले। ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। हे हाउ इज गोइंग एवरीवन, माय नेम इज Smartify, बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। ओह आई थिंक Smartify अभी भी सेम हेडफोन यूज करता है ना, सेम हेडफोन एंड माइक। वेट, मुझे लेटेस्ट वीडियो देखनी है। इफ सेम हेडफोन हुए ना तो भाई कितना नॉस्टैल्जिक होगा ये। ओह एग्जैक्टली वेट, दीज आर द सेम हेडफोन जो कि Smartify ने सबसे पहले स्टार्ट किए थे, लाइक काइंड ऑफ उसी तरीके का है। ये हेडफोन मैंने भी यूज किया है बहुत पहले। ओके लेट्स सी, हम जाते हैं सीधे हाउस की तरफ एंड देखते हैं कि फर्स्ट हाउस कैसा है। ओके तो ये है Smartify का सबसे पहला घर। जैसे यहाँ पर रात होगी मैं इस प्रोग्रेस को सेव करने वाला हूँ इस बेड पे एक बार सोने के बाद। ओके तो लाइक Smartify ने अपना जो सबसे पहला घर था वो यू नो डर्ट के बीच में बनाया था, काफी अच्छा आइडिया है ये। ओके सो ये है सबसे पहला, एक तरीके से सही से देखे ये है मेरा घर गाइस। ओ हिमलैंड नाम था इसका, मेरा घर है इसको थोड़ा सा और अच्छा बना। तो हिमलैंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मेरे को ये आइडिया नहीं था कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है हिमलैंड। नाउ गाइस दिस इज माय होम, आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर ये मेरा घर है। ओके तो ये है Smartify का सबसे पहला घर, लाइक मैं साइड से तुम्हें पूरा दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। लाइक एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है इस हाउस की एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट स्पेशल थिंग लाइक इसकी, कि ये घर का डिजाइन काफी यूनिक है क्योंकि ये पूरा डर्ट के बीच में बना है ना, तो मुझे ये घर दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर डर्ट की जगह यहाँ पर कोबल स्टोन हो जाएंगे ना एंड कांच वाँच हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो मेरे हिसाब से ये और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। बट दूर से अभी ये घर कुछ इस तरीके
तरीके का दिख रहा है। अगर मैं लुक में बात करूं तो मुझे काफी अच्छा लगा है, ये काफी अच्छा आइडिया भी है इस घर का। बेसिकली गाइस आई एम जस्ट गोइंग टू लीव दिस एपिसोड राइट नाउ यहां पर। ओके मेरे को ये देखना है कि आखिर घर के अंदर क्या-क्या चीजें हैं, लाइक मे बी स्मार्टी अंदर भी क्या होगा ना घर के। प्लैंक्स रखे हुए हैं यहां पर। ओके आई कैन सी घर के अंदर एक ये है एंड इधर चेस्ट भी है, इनको भी उठा के मैं यहां ला देता हूं ना। क्राफ्टिंग टेबल है, बनाने वाला हूं मेरा बेड। मेरा बन गया बेड, बन के तैयार हो चुका है। ओके बेड को मैं यहाँ रख देता हूँ। वो अंदर से काफी अंदर से काफी छोटा सा घर है, लेकिन ये यू नो यहाँ पर दरवाजा है एंड बहुत छोटा सा घर है अंदर से। पर बेड बहुत बीच में आ चुका है यार, इसको मैं एक बार तोड़ के ना थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। देता हूँ हाँ यस अभी बड़ा हो गया, नाइस बेड आ जाएगा मेरे हिसाब से। प्लीज यस नाइस। हम लोग यहाँ पर यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। ओके तो यहाँ पे दरवाजा है एंड थोड़ा सा कंजेस्टेड का लाइक थोड़ा सा कंजेस्टेड घर है, बहुत छोटा सा घर है अंदर से, बट ओवरऑल वेरी यूनिक हाउस, वेरी वेरी यूनिक हाउस। सो चैट तो हमने फाइनली देख लिया है हितेश का सबसे पहला घर, बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है, अंदर से एक बेड है, छोटा सा है अंदर से, बट इट इज लाइक अच्छा है, आई विल से कि अच्छा है अंदर से, फर्स्ट डे के हिसाब से काफी अच्छा है। एंड देन ये हाउस एक ही एपिसोड में बनाया गया है, यू नो इन द वेरी फर्स्ट डे ओनली, तो फर्स्ट डे के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। अगर इसमें 10-15 दिन और काम किया जाएगा तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि आउट ऑफ 10 हम इसको कितना रेट करें, ठीक है, क्योंकि ये सबसे हार्ड होगा, लाइक यू नो यहाँ पर ही मेन चीज आता है कि हम इसको रेट कितना करेंगे। चैट सो अभी तुम्हारा टाइम है, लेट्स सी कि किसको कितनी रेटिंग मिलती है, किसको कितने वोट्स मिलते हैं। 7 out of 10 को सीधा स्ट्रेट ऑफ 28%। 4 out of 10, what do you mean by 4 out of 10? Like 4 out of 10 के हिसाब से like तुम गलत कर रहे हो, 4 out of 10 like 6 out of 10 भी काफी है, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है इन 4 out of 10 एंड 8 out of 10 के बीच में। Like if you see ये सबसे कंफ्यूजिंग रेटिंग है, सब अपनी अलग अलग रेटिंग दे रहे हैं इसकी, ये थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है भाई, इतनी अजीब रेटिंग कौन देता है, लाइक लुक एट दिस रेटिंग ब्रो, सबसे ज्यादा रेटिंग है 4 out of 10 और 8 out of 10 के बीच में, इतना बड़ा डिफरेंस कौन करता है इन रेटिंग। एटलीस्ट अगर ऐसा होता कि 4 out of 10 और 6 out of 10 के बीच में डिफरेंस होता तो मेरे को समझ में भी आता, ये तो भाई बिन फालतू में कुछ गलत कर रहे हो तुम। बाहर से इसका लुक काफी अच्छा है बट अंदर से घर थोड़ा सा छोटा है एंड पूरा घर डर्ट का है। मेरे हिसाब से आई विल गिव इट लाइक 5 out of 10, लाइक वो मैंने रेटिंग नहीं दिया है इसमें, बट मेरे हिसाब से आई विल गिव 5 out of 10 क्योंकि इट्स नॉट 4 थोड़ा सा कम हो जाता है, 4 लाइक ऐसा होता है कि बहुत गंदा सा घर हो, इट्स नॉट गंदा, ये मेरे को पसंद आया। गंदा मैं दिखाऊंगा जब तुम्हें मैं अपना फर्स्ट घर दिखाऊंगा ना, वो एक्चुअली में सबसे गंदा है, तो मेरे हिसाब से आई विल गिव इट लाइक 5 out of 10, बट अकॉर्डिंग टू यू मोस्ट ऑफ द लोगों ने रेट किया है 4 out of 10, सो द ऑडियंस इज 4 out of 10 एंड मेरा है 5 out of 10। ओके सो नाउ इट्स टाइम फॉर चपाती हिंदुस्तानी गेमर, एंड चपाती इज लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइनक्राफ्ट की क्रिएटर, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि चपाती का फर्स्ट हाउस कैसा होगा। ओके तो ये कुछ वीडियोस हैं, आई फाइनली फाउंड माय फर्स्ट हाउस, फाइंडिंग माय फर्स्ट हाउस, तो दो वीडियोस हैं लाइक हाउस के ऊपर। ओ ये है एक्चुअल वाला वीडियो, लाइक मेरा नया घर ऑफ माइनक्राफ्ट 3 साल पहले, थंबनेल के हिसाब से तो काफी नॉर्मल लग रहा है ये वाला, चेक करके देखते हैं। ओ कांच आंच लग रखे है भाई, इसमें तो कांच वगैरह लगी है। ओ डैम, मेरा नाम है बम्मी और एक बार फिर से माइनक्राफ्ट की अनोखी दुनिया के अंदर हम मौजूद हैं, और लास्ट वीडियो में हमने एक हाउस बिल्ड किया था। ओ दूर से ये घर सामने से कुछ इस तरीके का दिख रहा है, हमें तो पहले ही पहले दर्शन मिल गए, हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये रहा, लेकिन ये कौन सी जगह पे बनाया है भाई ये घर, छत और बढ़ा के रखनी है अंदर से, मतलब ओ भाई ये तो बहुत नीचे है, इसकी थोड़ा ऊंचा करना चाहिए था ये। ओके सो राइट नाउ इफ तुम देखोगे तो इन द फर्स्ट एपिसोड जो घर बनाया था चपाती ने वो इस तरीके का था, एक पूरा वुड का था, कांच की चीजें लगाई थी, एक अच्छा वाला डोर था, बट ये लोकेशन थोड़ी अजीब है, यहाँ पर ना थोड़ा सा केव टाइप का है तो थोड़ा सा डर लगता है भाई, कोई भी आया ना तुम नीचे गिर जाओगे, ठीक है। ये रहा, ये देखोगे तो, एंड अगर हम अंदर दिखे तो अंदर क्या है, इधर एक क्राफ्टिंग टेबल है, ठीक है, अंदर क्राफ्टिंग टेबल है और उसके बाद एक यहाँ पर बेड डला हुआ है एंड एक फर्नेंस भी है, बट ये लाइक थोड़ा सा वैसा है, इफ तुम देखोगे ना थोड़ा सा ज्यादा नीचे है। ये फर्स्ट एपिसोड में माइनक्राफ्ट हाउस चपाती भाई का ऐसा ही था, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर हम एज इन फर्स्ट वे में हम इसको कितना रेट करेंगे, एंड देन हम इसको ऑल्सो रेट करेंगे जब ये इसको इस एपिसोड के एंड में पूरा बना लेंगे तब, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं इसको दूंगा अ वेरी वेरी गुड 6.5 out of 10, मेरे हिसाब से 6.5 out of 10, थोड़ा सा नीचे है बट यू नो वुड है, कांच है,
फर्नेंस है एंड ऊपर छत पे भी कांच है तो काफी अच्छा है, उस हिसाब से काफी अच्छा है। अब जाते हैं जब ये पूरा घर बन जाएगा तब। ओके तो अभी हम आगे हैं आगे एंड कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ओ तो आई मीन एग्जैक्टली सेम वही हाउस है, एग्जैक्टली सेम वैसा ही हाउस है, बस थोड़ा सा ऊंचा हो गया। सीढ़ी बनानी है यहाँ पे, सीढ़ी कैसे बनाऊंगा मैं? आई मीन काफी लंबा है, काफी अब काफी ज्यादा ही ऊंचा हो गया, पहले थोड़ा नीचा था अब काफी ज्यादा ही ऊंचा कर दिया। आई टोल्ड यू इसका लोकेशन बहुत अजीब है, यू नो नीचे गिरने का देखो अभी भी वो नीचे गिर गए। काफी हमारा छोटा सा घर हौली हौली बड़ा हो रहा है और हमारा ओके ये है पूरा लोग। अच्छा तो लग रहा है घर दिखने में लाइक रात के अंदर। ओके लेट्स सी इस घर के अंदर क्या क्या है अभी। ओके एग्जैक्टली सेम में वही चीजें हैं लाइक अंदर जो पहले थी, फर्नेंस है, क्राफ्टिंग टेबल है एंड एक बेड है एंड ऊपर सेम वही कांच है, बस थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। तो चैट फाइनली अभी समय आ गया है कि हम इसको रेट करें, द फाइनल फॉर्म ऑफ हाउस। तो मेरे हिसाब से मेरा स्ट्रिल हमारा रेटिंग रहेगा 6.5 out of 10। तो अभी तुम लोग के पोल का टाइम है, लेट्स सी कि आखिर कहां से पोल स्टार्ट होगा। ओके स्टार्टिंग हुई है विद 7 out of 10, लेकिन काफी कंपटीशन चल रहा है विद 7 and 8 एंड 6 में भी, आई मीन 8 तो काफी ज्यादा हो गया। ओके नाउ कंपटीशन अच्छा है, 6 out of 10 काफी लोगों ने दिया है, 32% ऑफ पीपल आर सेइंग 6 out of 10। ओ अभी 30-30 का हो गया, लाइक दिस कंपटीशन इज इनसेन भाई, 7 out of 10 काफी लोग बोल रहे हैं, आई मीन 7 इज काफी ज्यादा, बट हाँ कह भी सकते हो क्योंकि फर्स्ट घर काफी सही है क्योंकि ये कांच लगा है एंड ऊपर भी कांच है तो ये चीज हमें नोटिस करनी है, बट इस घर का लोकेशन उतना अच्छा नहीं है ये भी है। ओके तो द फाइनल रेटिंग इज 28% लोगों ने दिया है 6 out of 10 एंड 36 लोगों ने दिया है 7 out of 10, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग 7 out of 10। तो या ये थोड़ा कंपटीशन में हुआ था, ये अच्छा वाला हुआ था, मजा आया इसमें। तो हमने देख लिए काफी क्रिएटर के फर्स्ट हाउसेस, लेकिन चैट आखिर मेरा फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस कैसा था? डू यू वांट कि मैं सबसे पहला माइनक्राफ्ट हाउस देखूं? बताओ मैं अपना फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस देखूं कि नहीं? नो शर्म कर लो भाई, ठीक है भाई, ठीक है मैं नहीं कर रहा, अब मैं बिल्कुल नहीं दिखा रहा। ये जो तुम यस बोल रहे हो ना, अब यस का कुछ नहीं है, अब ये जो यस एंड नो कर रहे हो ना, अब यस का कुछ भी नहीं है, मैं मान ही नहीं रहा यस, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग ट्रोल कर रहे हो मेरे को। वेट मैं यहाँ पे पोल डाल रहा हूँ, ये पोल कितना फन है भाई। ओके जल्दी एक्सेप्ट, अभी डिसाइड करते हैं कि करना है कि नहीं। 89 आर सेइंग यस, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सेइंग यस, 20% आर सेइंग नो। अगर 80% लोग बोलेंगे यस तो आई विल तो मैं अपना फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस देखूंगा, मुझे भी लगेगा कि आई थिंक मैंने बहुत गंदा बनाया है फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस। यस करो ना, मुझे नहीं कर रहा, मेरा फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस इतना कुछ अच्छा है नहीं मेरे हिसाब से, मुझे याद भी नहीं है कि कैसा है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे ये भी नहीं पता मेरी फर्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो कैसी है। 78% लोग बोल रहे हैं यस, 79 हो गया अभी, गो फॉर 80, पूरा 80 हो गया, फिर 79 हो गया, अभी 80 हो गया था, नहीं कर रहा, इफ 80 नहीं हो रहा तो मैं नहीं कर रहा, अब 81 होगा तब समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में 80 है, दोबारा 79, वाओ मैं नहीं कर रहा, जाओ मैं करूंगा ही नहीं, क्या मजा आ रहा है भाई इसमें, क्या मजा आ रहा है, चीटिंग करता है तू। ओके सो मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग यस, तो लेट्स चेक आउट। ओके करम धरती मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था अपना माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज, उसका फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस उसमें भी है, वो 3 साल पहले ये रहा मेरा फर्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो, इट्स टाइम टू मेक माई न्यू वर्ल्ड माइनक्राफ्ट गेम प्ले। ओके हे गाइस, क्या हाउ माय गॉड, हालचाल, मेरा नाम अर्चित है, आप लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू गेम में। फॉर सम रीजन अभी मैं ज्यादा यंग लग रहा हूँ और इसमें मैं बड़ा लग रहा हूँ, खेलने वाली है माइनक्राफ्ट जावा एडिशन। तो फाइनली अब मैं माइनक्राफ्ट की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, आज के दिन है हम लोग का सर्वाइवल सीरीज का फर्स्ट डे और देखते हैं कि भाई आज के दिन ये गेम कैसा होने वाला है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर तुमने अभी तक भाई मैं कैसे वीडियो बनाता था यार पहले, ले चल मेरे को आगे देखना है हाउ इज माय हाउस। ओ इस पूरे वीडियो में मैं एक्चुअली घर ही बना रहा हूं, ओ मैं काफी अच्छा घर बनाने की कोशिश करूं, तेरे की रात होने लगी मैंने ध्यान नहीं दिया। एवियसली तू कैसे ध्यान देगा भाई, तूने बैकग्राउंड में म्यूजिक देख रहा है रचे, तो क्या ही ध्यान देगा। चैट मैं कुछ ज्यादा बड़ा घर नहीं बना रहा इसमें, ये देखो कितना बड़ा घर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मेरे ब्लॉक्स खत्म हो रहे और रात हो गई। ये मोस्ट रिप्लेड पार्ट है, क्या हुआ था यहाँ पे, मैं नीचे गिर गया था क्या? नहीं, थोड़ा ऊपर लगाना है मेरे को। मोस्ट रिप्लेड पार्ट में क्या है, अभी तेरे की बोल दिया मैंने। देखो ये एक्चुअल में दिख रहा है तुम्हें कि कितनी मेहनत लगती है एक छोटा सा घर बनाने में, भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को कंफ्यूज देख सकते हो। ओके लेट्स सी कि मेरा पूरा घर जब बन गया था तो कैसा था, बहुत टाइम तो लगा भाई इसको बनने में। अभी मेरे पास कांच बनाने की जगह है क्या, कैसे कांच वगैरह भी बना रहा था इन माई फर्स्ट हाउस। वाओ मेरा फर्स्ट हाउस बनाते बनाते मेरा कैमरा लो हो गया था, मैंने मार दिया है और मेरा जितना स्टूपिड कोई नहीं होगा।
ओके तो गाइस ये है मेरा फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस। बाहर बाहर से मैंने गेट वेट लगा दिया, अंदर एक बेड डाल दिया, क्राफ्टिंग टेबल डाल दी, बट मैंने छत वगैरह में कुछ बनाया ही नहीं है। ये क्या था भाई? वेट वेट, इसके बाद मैंने कोई बनाया है क्या वीडियो माइनक्राफ्ट का? लेजेंड्स ऑफ वॉचिंग आफ्टर वन, भाई कितने दिनों के बाद तुम वीडियोस देख रहे हो। मुझे ये देखना है इसके बाद जब मैंने ये घर कंप्लीट किया होगा तो कैसा था। इसके बाद आई थिंक मैंने कंप्लीट ही नहीं किया था। इसके बाद जो मैंने एक्चुअल में माइनक्राफ्ट सही से स्टार्ट किया था एंड फर्स्ट एपिसोड में जो मैंने सबसे पहला अपना घर बनाया था वो था ये। गेम खेल रहा हूं लगातार, इसको रिकॉर्ड ही कर रहा हूं। ओके मैंने दोनों चीजें तोड़ ली है। ओके सो दिस इज माई फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस। ओके सो दो साल के बाद जब मैंने अपनी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करी तब घर कुछ ऐसा था, बट उससे पहले वाला घर कुछ उस तरीके का था जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया था। बट यहाँ तक मैं थोड़ा बहुत माइनक्राफ्ट सीख गया था, इस वजह से ये घर थोड़ा सा सुंदर और लग रहा है नॉर्मल हर चीज। मेरी आवाज इतनी अजीब क्यों है इसमें? लाइक वेरी वियर्ड वॉइस ब्रो, लाइक काफी अजीब आवाज है इसमें। क्राफ्टिंग टेबल रख देते हैं, प्लस अपने को चेस बनानी है तो चेस बना लेते हैं, प्लस अपने को चेस बनानी है तो चेस बना लेते हैं। कैसी अजीब आवाज है मेरी। बट अंदर से देखें तो वेट, अंदर मैंने क्या क्या डाला है? तो अंदर मैंने एक चेस्ट डाली है, ठीक है, एंड और एक बेड डाला है अभी। तो ये है लाइक दूर से अगर देखें तो दिस इज माय फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस। चेस्ट भी मैंने यहाँ पे डाल दी एंड बेड भी एंड फर्नेस भी। तो मोस्टली मैंने सारी जो रिक्वायर्ड चीजें होती है ना वो सब डाल दी है भाई इसमें। ओके तो चेक, तो ये फाइनली मेरा फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस है इन द करम धरती सीरीज में, जो मेरा माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज था उसका। आई मीन आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं रेट नहीं करूंगा अपने घर को, ठीक है। लाइक जो मेरा पुराना वाला घर था उसको मैं रेट करूंगा लाइक 2 out of 10, 2 or 3 out of 10, बट ये मेरा सर्वाइवल सीरीज वाला घर है तो इसको मैं तुम्हें डाल देता हूँ कि तुम इसको कितना रेट करोगे। ओके मैंने डाल दिया है, अभी मुझे एक्चुअली में जानना है कि तुम लोग कितना रेटिंग दोगे इसको। भाई 50% लोग 2 out of 10 पे गए हैं, तुम लोग कितना ट्रोल करते हो, मेरे को शर्म कर लिया करो। ओके सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन 6 out of 10 एंड 8 out of 10 में। काफी लाइक 23% ऑफ पीपल आर सेइंग 6 out of 10, 47-48 हो गया, वाओ। लाइक 50% लोग आर सेइंग 8 out of 10, मतलब ये वाला जो घर है मैं इसको दूंगा आर रियली रियली गुड 8 out of 10, ठीक है। अगर लाइक मैंने ना बनाया था किसी और ने बनाया होता, बट द थिंग इज दैट इस टाइम पे मेरे को थोड़ा बहुत माइनक्राफ्ट आता था तो इसलिए और ये थोड़ा सा अच्छा बना है, तो काइंड ऑफ चीटिंग टाइप की हो गई है फिर, बट घर के हिसाब से इट लुक्स गुड। तो द मेजोरिटी ऑफ द रेटिंग इज 8 out of 10। I'll take it. किसको अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है, बट I don't think so. Like, अगर मैं फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट खेलता तो मैं इतना अच्छा बना ही नहीं पाता। भाई ये सीरीज मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए थी, मैंने इसके टोटल 3-4 एपिसोड्स बनाए थे बस, एंड देन मैंने इसको बंद कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट क्रिएटर इज गेम ऑफ फ्लीट, क्योंकि चैट ने बोला कि फ्लीट का हाउस देखना है हमें, क्योंकि फ्लीट ने काफी लेट माइनक्राफ्ट स्टार्ट किया है एज कम्पेयर टू अदर क्रिएटर्स। गाइस वेलकम 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 टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑन दिस चैनल। इसमें फ्लीट भाई थोड़े से पतले लग रहे हैं अभी के हिसाब से। बिल्कुल सही गाइस, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल मोड। गाइस बिल्कुल सही, डैम अब मेरे को भी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल मोड स्टार्ट करना चाहिए, एट दिस पॉइंट तो करना चाहिए, मैंने कब से नहीं खेला है माइनक्राफ्ट। ओके सीधा जाते हैं हम लोग वहां पे जहां पे फर्स्ट हाउस बन जाता है एंड देखते हैं कि फर्स्ट हाउस कैसा है। अभी तक इस एपिसोड में मैं देख रहा हूं ना तो फर्स्ट हाउस बना नहीं है, जितना जमा कर सकते हैं नॉर्मल बाहर बेड वगैरह डाल रखा है, बट लाइक फ्लीट को थोड़ा बहुत माइनक्राफ्ट आता है इसमें। लाइक मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्लीट नूब है, क्योंकि ही इज जंपिंग जब वो चल रही है तो ही नोज लाइक कैसे क्या ये गेम का करना है, एंड फर्नेंस वगैरह सब कुछ रेडी है। घर देखते हैं, घर बना है क्या इन द फर्स्ट एपिसोड? ओके फर्स्ट एपिसोड के अंदर घर बना नहीं है एक्चुअली, सेकंड एपिसोड में। ओ भाई इन द सेकंड एपिसोड आल्सो फ्लीट एक्चुअली एक फार्म बना लिया इन द सेकंड एपिसोड, लेकिन घर नहीं बना रखा है, घर में सिर्फ साइड में ना एक बेड वगैरह डला है। देखो ये फार्म है, साइड में चेस्ट वगैरह थी, ये देखो यहाँ पे बेड वगैरह डला है, बट कोई घर नहीं बना रखा है। आगे जाते हैं, लेट्स सी जब पूरा हाउस बन जाता है ना तब का। तो फाइनली दो एपिसोड के बाद थर्ड एपिसोड में फ्लीट अब अपना घर बनाएगा, एंड जितना मेरे को पता लग रहा है इसमें ट्री हाउस होगा। ओ ही नोज एक्चुअली ये ट्री हाउस का ट्यूटोरियल आई थिंक, क्योंकि ये ट्यूटोरियल टाइप का लग रहा है ये वाला हाउस, और डिजाइन बढ़िया लग रहा है। हाउ लाइक फ्लीट को कैसे पता है कि कैसे बनाते हैं? कुछ लेटर्स भी बना रखे हैं, 1 2 3 अभी पूरा देखते हैं जब पूरा बन जाता है। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं इसी वर्ल्ड में, मतलब एकदम खतरनाक शेडर्स के साथ। देखो कितना मस्त लग रहा है, घास वास सब हिल रही है, पानी देखो कितना रियलिस्टिक सा लग रहा है, प्यारा सा। ओ ओके तो ये है फर्स्ट हाउस फ्लीट का। चैट आई मीन
यहाँ पे शीट्स वगैरह भी बहुत सारी चीजें लगी हैं, विद लाइक यू नो कितना बढ़िया ग्राफिक्स हो गया है, मुझे एंड ये घर दूर से बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है लाइक ब्रीड का सबसे पहला घर, गाइस देखो हमारा ट्री हाउस। और ये भाई इस बंदे ने जितना मुझे दुखी कर दिया है, मेरा मन कर रहा है इसको काट दूं मैं, लेकिन नहीं मारूंगा। ओके ये हार्ड होने वाला है। ये है गाइस हमारा खतरनाक वाला ट्री हाउस। इट लुक्स वेरी वेरी प्रीटी, बहुत सुंदर लग रहा है भाई। ये दूर से घर ही नहीं लग रहा है, दूर से पूरा ट्री लग रहा है ये देखने में। तो गाइस ये देखो ये हमारा ट्री हाउस, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। इसमें क्रीपर आ गया। अरे ये क्या है भाई, नाइस। मेरे को डर लग रहा है, ट्री हाउस बनने से पहले ही फट गया भाई। चैट ओके, तो हाउस लुक्स रियली गुड, बाहर बाहर से काफी अच्छा लग रहा है, दूर से ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि ये पूरा पूरा एक ट्री है। तो एज इन स्नीक इन करने के लिए काफी अच्छा है ये, लग रहा है। ऊपर जाके देखते हैं, अंदर से देखना है मेरे को ये कैसा है। भाई हमारी फसल देखो गाइस पूरी उग चुकी, एंड इधर एक फार्म भी है, काफी अच्छी चीज है। पूरी फसल उग चुकी है, अंदर से सीधा ऊपर जाना है, एंड देन ऊपर सारी चीज। ओ भाई यहाँ पे तो इसके आर पार आ रही, भाई कितनी चेस्ट रख रखी है, ये फर्स्ट हाउस है भाई, ये हमारा ट्री हाउस। तो गाइस देखो ये रहा ट्री हाउस, यहाँ से हम लोग दूर दूर के गांव। आई मीन ये टफ है। चैट 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 चैट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? 10 out of 10, 10 out of 10, everyone is saying 10 out of 10. आई मीन मैं तुम्हें क्या बताऊँ इसके बारे में, अगर तुम देखोगे तो यार काफी अच्छा बना है, लाइक काफी अच्छे से सोच समझ के बनाया गया है इस फर्स्ट हाउस को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितना घर बना है वो 10 out of 10 है, ठीक है, लाइक एक्चुअल में 10 out of 10। बट देन फिर मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने तो बस एक ही दिन में बना लिया था घर, ठीक है, लाइक नॉर्मल डर्ट घर बना लिया था। तो ये बहुत डिजाइन घर है, तो इस हाउस को ना उन हाउसेस से कंपेयर करना थोड़ा सा हार्ड है, बट फिर भी आई विल से इट इज 10 out of 10। चैट इज ऑलरेडी सेइंग 10 out of 10, चैट सीधा 10 out of 10 बोली रही है। ठीक है भाई, ठीक है, जा रहा है। तो इट्स 10 out of 10, नाइस। अब जब चैट ने बोल दिया है तो 10 out of 10। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल क्रिएटर, एंड इट्स आई एम विक्सु। सो आई मेड अ हाउस इन माइनक्राफ्ट। ओके और मिक्सू ने तो बहुत रिसेंटली ही सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करी है 2022 में, एक साल पहले। ओके हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसको ठीक करने दो। मिक्सू अभी भी ऐसा ही लगता है बिल्कुल, पिछले साल ही स्टार्ट करी थी माइनक्राफ्ट सीरीज। तो इसमें फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस है कि और नहीं, एक्चुअली में मिक्सू ने 2 साल पहले एक और माइनक्राफ्ट सीरीज करी थी स्टार्ट। तो ये है असली हाउस इसके अंदर माइनक्राफ्ट आज तक की सबसे बेस्ट गेम। इट इज माइनक्राफ्ट गॉट अभी लाइक My one of the favorite game of all time. सच्ची में? क्योंकि तुम सिर्फ इसी गेम पे व्यूज देते हो। ये भी तो है, ये भी है, व्यूज तो सिर्फ माइनक्राफ्ट पर ही आते हैं। ओके देखते हैं विक्सु का फर्स्ट घर। ओके इसमें यहाँ पर बना रहे हैं विक्सु अपना पहला घर। भाई बेचारी चिकन को फंसा लिया भाई इन द फर्स्ट एपिसोड ओनली। मुर्गियां, यस लेट्स गो। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक प्यारा सा सुंदर सा घर। So, ये रहा हमारा फर्स्ट हाउस, वैसे अच्छा तो लग रहा है। ओह आई मीन नॉट बैड, इट लुक्स रियली गुड, काफी अच्छे से बनाया गया है। छोटा सा पोल्ट्री फार्म, अब बस इसके अंदर अंधेरा है। अंदर से बहुत बड़ा है भाई, डेकोरेट करना है जो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे अभी आराम से, मैं अभी तो थक चुका हूँ। यार आज के लिए इतना ही, हमने एक प्यारा सा छोटा सा घर बना लिया है, अभी आगे और भी एडवेंचर होते रहेंगे। ओके तो चैट आई मीन विक्सु का सबसे पहला घर लुक्स रियली गुड, कुछ इस तरीके का दिख रहा है विक्सु का सबसे पहला घर। डिजाइन काफी अच्छा है, लाइक काफी अच्छा लग रहा है। एंड देन विक्सु ने इसमें शेडर्स कौन से यूज किए, ये बहुत ही अलग नहीं लग रहा है ये वाला माइनक्राफ्ट का कलरिंग वगैरह सब कुछ। तुम्हें क्या लगता है हम इसको कितना रेट करें? मेरे हिसाब से इट्स लाइक अंदर चीजें कुछ नहीं है, बाहर बाहर से डिजाइन काफी अच्छा है। मैं इसको काफी अच्छा 8 out of 10 रेट करूंगा मेरे हिसाब से। चलो तो ये है ऑडियंस वाला पोल, मैंने 6 out of 10, 7 out of 10, 8 out of 10 एंड 8.5 out of 10 डाला है। अभी फाइट चल रही है बिटवीन 7 out of 10 एंड 8 out of 10 एंड 8.5 out of 10। 8.5 काफी अच्छा नंबर है, लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट वन। 28% लोग बोल रहे हैं 7 out of 10, लाइक 7 भी काफी सही है, लाइक ये घर है, घर के हिसाब से 7 अच्छा है, बट मेरे हिसाब से मैं इसको 8 out of 10 दूंगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कितना देना चाहोगे। ओके तो द फाइनल स्कोर इज 23% लोगों ने दिया है 7 out of 10, 25 दिया है 8 out of 10 एंड 45% लोगों ने दिया है 8.5 out of 10। तो मेरा है 8 एंड द ऑडियंस इज 8.5, लाइक 8.5 ह्यूज ब्रो, काफी अच्छा नंबर है। सो या आज के इस एपिसोड के लिए यही क्रिएटर्स थे, आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक यू नो मेरे को आज के दिन काफी नॉस्टैल्जिक फील हो गया, लाइक बहुत टाइम के बाद मैंने ये वीडियोस देखी, मेरे को ऐसा लगा कि भाई दोबारा से पेंडेमिक वापस आ गया। ठीक है वो जो एरा था ना 2020, 21, 22, 23 का, ओ डैम कितना सुंदर एरा था, कितना अच्छा एरा था, तो मेरी यादें ताजा हो गई। तो इफ यू गाइस वांट कि मैं इसका सेकंड एपिसोड बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक ये वाली वीडियो देखो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।